अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। गाइस, अगर आप क्रिकेट पोस्टर का आसान और मुअस्सर तरीका तलाश कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो है वो पिक्सलैब है। तो इस स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में हम आपको दिखाएंगे कि इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करें और इस ऐप से क्रिकेट का शानदार पोस्टर किस तरह बनाएं। अगर आप क्रिकेट फैन है या सिर्फ पोस्टर डिजाइनर तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पिक्सलैब के इस ट्यूटोरियल के साथ आप एक ऐसा शानदार पोस्टर बनाएंगे जो यकीनी तौर पर इंप्रेसिव होगा। तो गाइस, फिर इंतजार किस बात का, आज ही इस ट्यूटोरियल को लाजमी देखें और एक बेस्ट डिजाइनर की तरह आप खुद अपने क्रिकेट पोस्टर खुद बनाएं। गाइस, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सलैब ऐप को ओपन करना है और इसके बाद यहाँ से सिंपली कैंसिल पर क्लिक करना है और यहाँ से सिंपली आप लोगों ने टेक्स्ट डिलीट करना है और इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने आना है और यहाँ से सिंपली बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है। जो भी आप बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हो आप इजीली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से सिंपली हमारे बैकग्राउंड लग चुका है। इसके बाद यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करके आपने स्टेडियम का पिक्चर लाना है और उसको इसे स्क्वायर साइज क्रॉप करना है, उसको फुल स्क्रीन करके आप लोगों ने इसके ऑपेसिटी को कम करना है ताकि थोड़ा सा विजिबल हो। इसके बाद यहाँ से सिंपल लेयर पर क्लिक करके आपको लॉक करना है और इसके बाद यहाँ से दोबारा आप लोगों ने इंपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से कैप्टन का पिक्चर को आप लोगों ने इजीली इंपोर्ट करना है और इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने राइट साइड पर एडजस्ट करना है और इसका शेडो भी इनेबल करना है ताकि इसका पिक्चर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने शेप पर क्लिक करना है। शेप पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने छोटा करके इस साइड पर आप लोगों ने एडजस्ट करना है। इसको यहाँ से छोटा करके आप तस्वीर के हिसाब से आप लोगों ने शेप को सेलेक्ट करना है और इस हिसाब से आप लोगों ने एडजस्ट करना है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली शेप का भी बनाकर आप लोगों ने भी इसी तरह नीचे छोटा सा शेप बनाना है। तो ऊपर वाले को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। इसके बाद इस हिसाब से आप लोगों ने नीचे नेम के लिए आप लोग भी इसी तरह शेप लगा सकते हैं। इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसको यहाँ से सिंपली आप लोगों ने एडजस्ट करना है। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इस शेप का कलर भी चेंज करना है। अगर चेंज करना चाहते हो यहाँ से सिंपली आप लोग मल्टीपल कलर्स है आप अपने हिसाब से लगाना चाहते हो तो यहाँ से सिंपली दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने जूम आउट करना है और यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इसका जो स्ट्रोक है वो भी इनेबल करना है, वाइट स्ट्रोक लगाना है। उसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इसका 10 कापियाँ बनाना है ईजिली। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने लाइन सेलेक्ट करना है ताकि लाइनों के हिसाब से आप सारे जो शेप्स है वो लाइनों के बराबर आ जाए। इसी हिसाब से आप लोगों ने 10 शेप सेलेक्ट करना है। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से शेप के अंदर आप लोगों ने एडजस्ट करना है। इस हिसाब से आप लोगों ने 10 शेप्स बनाने हैं। यहाँ से सिंपली हम मैंने बनाए हैं। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली गाइस आप लोगों ने दोबारा यहाँ से सिंपली आप लोगों ने आना है टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपली आप लोग टेक्स्ट पर क्लिक करें। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपली आप लोग अपना टीम का नाम जो आप लिखना चाहते हो यहाँ से सिंपली आप लोग अपना टीम का नाम लिख सकते हो। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर आना है। फॉन्ट को भी चेंज करना है, अगर आपके पास है तो आप इजीली फॉन्ट भी लगा सकते हो। यहाँ से इसका थोड़ा सा इंक्रीज करके आप लोगों ने इस हिसाब से लगाना है। तो इसका कॉपी बनाकर नीचे जो कोई टूर्नामेंट का नाम है वो भी आप लोग इजीली या नीचे लगा सकते हो। यहाँ पर सिंपली अभी T20 वर्ल्ड कप है तो इस हिसाब से मैं ये लिखता हूँ 2024। इस हिसाब से यहाँ से सिंपली आप लोगों ने दोबारा फॉन्ट को भी चेंज करना है। यहाँ से सिंपली आप हिसाब से यहाँ से आप लोगों ने फॉन्ट लगाना है और यहाँ से छोटा करके इसके नीचे आप लोगों ने एडजस्ट करना है। तो गाइस, इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पर आके इंपोर्ट पर क्लिक करके जो भी पिक्चर आप लोग लगाना चाहते हो, जो टीम का मेम्बर्स है वो एक एक पिक्चर आप लोग यहाँ से लगा सकते हो और छोटा करके आप लोग इस शेप के अंदर एडजस्ट कर सकते हो वेरी इजीली। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इस शेप को आप लोगों ने लॉक करना है ताकि टाइम हमारा बच सके। तो इस हिसाब से यहाँ से एक एक करके आप लोगों ने लॉक करना है। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इस फोटो को इस शेप के अंदर एडजस्ट करना है और इसके बाद यहाँ से नीचे आकर शेडो को इनेबल करना है और यहाँ से सिंपली आप लोगों ने वाइट शेडो लगाना है। इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने दूसरा फोटो इम्पोर्ट करना है। दूसरे फोटो को भी यहाँ से सिंपली छोटा करके मेंटेन रेश पर क्लिक करके आप लोगों ने इसको छोटा करके यहाँ से सिंपली आप लोग
शेडो को भी इनेबल कर सकते हो। जाके यहाँ से सिंपली आप लोगों ने शेडो पर क्लिक करना है और वाइट शेडो लगाना है। फिर हिसाब ये यहाँ से सिंपली आप लोगों ने सारे पिक्चर्स को यहाँ से इसी तरह बिल्कुल इसी तरह इंपोर्ट करना है और इसी तरह एक एक को लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने लॉक करना है। लॉक करने के बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने दोबारा जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ से सिंपली आप लोग एक एक खिलाड़ी का नाम भी लिख सकते हैं। अटैच पर क्लिक करके आप लोग एडिट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ से सिंपली हमारा जो पहला नाम है वो हमने लिखा है। उसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोग फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, जो भी फॉन्ट आप लगाना चाहते हो यहाँ से ईजिली आप लोग लगा सकते हो। फिर इस हिसाब से यहाँ से नीचे शेप के अंदर आप लोगों ने नेम को भी एडजस्ट करना है। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने नेम को भी नीचे एडजस्ट करना है। अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से सिंपली आप लोगों ने दूसरा फॉन्ट भी लगाना चाहते इस हिसाब से आप दूसरा फॉन्ट भी लगा सकते हो। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इसके अंदर एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी बनाकर आप दूसरा नाम भी इजीली लिख सकते हो। जो भी नाम आप अपने प्लेयर्स का लिखना चाहते हो यहाँ से ईजीली आप लोग कर सकते हो। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने शेप के अंदर एडजस्ट करना है। उसके बाद यहाँ से दूसरा का भी बनाकर दूसरे शेप के अंदर एडजस्ट करके आप लोगों ने नेम को चेंज करना है। तो इसी तरह आप सारे टीम मेंबर्स का नाम एक एक करके यहाँ से कॉपी करके आप लोगों ने सारे का नाम इजीली लिखना है। इसी तरह अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो इस हिसाब से आप लोगों ने सारे प्लेयर्स का नाम लिखना है। लिखने के बाद यहाँ से सिंपली हमारे सारे प्लेयर्स का नाम लिख चुके हैं। यहाँ से सिंपली हमारा स्क्वाड जो है वो आधा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक करके नीचे जो कैप्टन का नाम है वो भी यहाँ से इजीली आप लोग लिख सकते हैं। जो भी कैप्टन का नाम है वो आप लिख सकते हैं इजीली। इसके बाद यहाँ से फॉन्ट भी चेंज करें अपने हिसाब से। आप लोगों ने फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से मैंने फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ से सिंपली आप लोगों ने यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड यहाँ से सिंपली आप लोगों ने ब्लू रखना है। ब्लू रखने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट करें अपने हिसाब से। इस हिसाब नीचे जो रेडियस है उसको भी आप लोगों ने थोड़ा सा इंक्रीज करना है ताकि सर्कल फॉर्म नजर आए। इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इसका स्ट्रोक को भी इनेबल करना है, ब्लैक स्ट्रोक लगाना है। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने सिंपली यहाँ से आप लोगों ने जो टीम का लोगो है वो भी आप लोगों ने इम्पोर्ट करके यहाँ से सिंपली आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ से हमारे जो टीम का लोगो है वो भी यहाँ से मैंने इम्पोर्ट किया है। इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने पिक्चर को भी फ्रंट लाना है ताकि लोगो बैकग्राउंड में चला जाए। तो इसके बाद यहाँ से लॉक करके नेम को भी टू फ्रंट लाना है। यहाँ से हमारा स्क्वाड बन चुका है गाइस। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने थ्री डॉट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करें और यहाँ से डिफॉल्ट पर क्लिक करके अल्ट्रा सेलेक्ट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।